नमस्कार दोस्तों, एग्जाम डे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में हम खुशखबरी लेकर आए हैं एसएससी सीएचएसएल के अभ्यर्थियों के लिए। जैसा कि आपको पता है कि 17 मार्च को एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम शुरू हुआ था, लेकिन 3 दिन एग्जाम होने के बाद इसे कैंसिल कर दिया गया। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम हो चुका है उन्हें नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बंफर नंबर यहाँ पर मिल रहा है, और दोस्तों कितना नंबर उन अभ्यर्थियों का मिलेगा, साथ में जिनका यहाँ पर अभी एग्जाम नहीं हुआ है तो उनको कितना नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में दिया जाएगा, सबसे ज्यादा बेनिफिट किन अभ्यर्थियों को होगा। तो पूरी कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सही और सटीक इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपका एग्जाम हो चुका है एसएससी सीएचएसएल का, तो यहां पर आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि यहां पर अब आपको नॉर्मलाइजेशन में बहुत ही अच्छे नंबर दिए जाएंगे। कितना नंबर यहां पर दिया जाएगा, चलिए इसके ऊपर हम आपको पूरा डिटेल से समझा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि यहां पर जो आपका एग्जाम हुआ है 17 तारीख, 18 तारीख और 19 तारीख, ये 3 दिन आपका एग्जाम हुआ है। अब इन तीनों लोगों को जो यहां पर एग्जाम के नंबर होंगे, जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर हम ये मान के चले कि इनके तीनों के जो के नंबर होंगे वह सेम अभी मिल रहे थे, तो दोस्तों अब क्या है कि इसके बाद के जो एग्जाम होने थे उनको यहां पर पोस्टपोन किया गया है। और पोस्टपोन दोस्तों कोई 2-4-5-10 दिन के लिए नहीं किया गया है, यहां पर जो आपके एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं वह लगभग आपके 1 महीने तक तो अभी एग्जाम पोस्टपोन किए गए हैं। तो अगर अब आपके जो एग्जाम है वह 1 महीने के लिए पोस्टपोन किए जाते हैं, तो जिनका एग्जाम 17 मार्च, 18 मार्च और 19 मार्च को कंप्लीट हो गया है, तो इन सभी कैंडिडेट को लगभग यहां पर 10 से और 12 नंबर नॉर्मलाइजेशन के तौर पर फ्री के दिए जाएंगे। इसके बाद अगर आपका जो यहां पर आंसर की जारी होगा, इसके बाद जो आपका अगर आंसर की में कोई भी आपके प्रॉब्लम पाई जाती है, उसका कोई प्रॉब्लम होता है, तो उसके नंबर तो सभी अभ्यर्थियों को अलग से मिलेंगे ही। यानी कि दोस्तों अभी जो आपके नॉर्मलाइजेशन में 2-4 नंबर मिल सकते थे, तो यहां पर दोस्तों अब आपके नॉर्मलाइजेशन में जो आपके एग्जाम होंगे इन 20 तारीख के बाद के स्टूडेंट्स के, उनसे कम से कम 10 या 12 नंबर अब ज्यादा बढ़ाकर आपको दिए जाएंगे। यह तो दोस्तों बात करते हैं 1 महीने की, लेकिन अगर दोस्तों जिस प्रकार की देश में भी सिचुएशन है, अगर सिचुएशन अभी ऐसी रहती है, भगवान करे कि जल्दी से सिचुएशन सही हो जाए, इसके बाद अगर दोस्तों यहां पर जो आपका एग्जाम है वह 1.5 या फिर 2 मंथ के लिए पोस्टपोन किया जाता है, यानी कि अगर आपका एग्जाम 2 महीने के लिए कैंसिल होता है, तो यह मान के चलिएगा कि जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम 17, 18 या फिर 19 मार्च को कंप्लीट हो गया है, उन अभ्यर्थियों को कम से कम यहां पर अलग से नंबर दिए जाएंगे 17 या फिर 18 नंबर। जी हाँ दोस्तों, 20 नंबर तक भी आपका आंकड़ा पहुंच सकता है। अब इन अभ्यर्थियों का जिनका एग्जाम 17, 18 या फिर 19 मार्च को हो गया है, ज्यादा नंबर देने का रीजन ये बनता है क्योंकि दोस्तों जिन अभ्यर्थियों का 17, 18 या फिर 19 मार्च को एग्जाम हो चुका है, तो उन अभ्यर्थियों को तैयारी करने का मौका ज्यादा नहीं मिल पाया। इसके बाद यहां पर जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम इनसे 1 या फिर 2 मंथ बाद होगा, उनको इन एग्जाम्स की पूरी डिटेल भी पहुंच चुकी होती है, कैसा पेपर आ रहा है इसकी भी जानकारी होती है, और पूरी तरीके से उनको 2 महीने जो भी 1.5 महीने का होता है समय, ज्यादा तैयारी करने का मौका भी मिलेगा। तो इस कंडीशन में जिनका अभ्यर्थियों का एग्जाम अभी हो चुका है उनको यहां पर नॉर्मलाइजेशन के ज्यादा नंबर दिए जाते हैं, ऐसा यहां पर एसएससी का रूल्स कहता है। तो ये तो बात थी उन अभ्यर्थियों की जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम कंप्लीट नहीं हुआ है उनके लिए भी यहां पर बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि दोस्तों जो आपका 3 दिन अभी एग्जाम हो चुका है, तो इसमें दोस्तों आपके पेपर का लेवल कैसा, आपका पेपर आ रहा है, क्वेश्चन कहां कहां से पूछे जा रहे हैं, यह आपने अच्छे तरीके से कवर कर लिया होगा। इसके बाद दोस्तों अभी आपको यहां पर 1-2 मंथ का टाइम मिल जाएगा अच्छे से और तैयारी करने का, और जैसे ही अब आपका एग्जाम होगा तो उसके बाद दोस्तों आपके पास मौका होगा यहां पर एक अच्छा स्कोर करने का, क्योंकि दोस्तों आप पूरा पैटर्न जो होगा, जो डिटेल्स होगा, उसे अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, और आपको यहां पर अच्छे तरीके से तैयारी करने का और मौका मिल चुका होगा। तो इस प्रकार दोस्तों जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम अभी नहीं हुआ है उनको भी नॉर्मलाइजेशन के नंबर दिए जाएंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा नंबर होंगे नॉर्मलाइजेशन के वे उन अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी, और ऐसी ही जानकारी आप तक समय समय पर पहुंचाई जाएंगी, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल वाले घंटे के बटन को क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।